हेलो भाई, मैं हूँ सोनू सैनी। तो आज हम बात करेंगे इस हुंडई वेन्यू के बारे में। 1500 cc पेट्रोल डीजल इंजन आता है भाई इसमें। देख सकते हो इसकी ऐसी कुछ लुक है। फ्रंट में हमें ऊपर इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे DRL मिल जाती है इसकी, और ऐसा कुछ इसमें प्रोजेक्टर है देख सकते हो आप। और यहाँ पे थोड़ा ये हमें मिल जाती है सिंपल लाइट हैलोजन, और नीचे यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्टर में फॉग लैंप मिल जाता है, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक डिज़ाइन मिल रहा है हमें इसमें यहाँ पे। और फ्रंट ग्रिल देख सकते हो आप, ऐसी कुछ है इसमें जिसमें कि हमें क्रोम मिल जाता है ग्रिल पे, और यहाँ पे हुंडई का लोगो सेंटर में। और नीचे देख सकते हो यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल है ऐसा कुछ देख सकते हो आप भाई। और इधर इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं हमें। टायर साइज़ क्या है इसका, 215/60 R16 इंच के अलॉय व्हील मिल रहे हैं हमें इसमें, जो कि कंपनी फिटेड है। और SX ऑप्शनल वेरिएंट है, तो इसमें हमें चारों डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं, और कोई ड्रम ब्रेक तो नहीं है भाई इसमें कोई। और यहाँ पे हमें इसके ORVM पे इंडिकेटर मिल जाता है, और क्रोम डोर हैंडल्स मिल रहे हैं हमें इसमें। और ये देख सकते हो आप ऐसी कुछ है। और ऊपर बात करो तो हमें इसमें सनरूफ मिल जाता है, और यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती हैं। और ये भाई वैसे SUV में ही आती है यार ये चीज़, है ना, कॉम्पैक्ट SUV आ जाती है। और पीछे की बात करूँ तो ऐसी कुछ इसमें हमें LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, और साथ में यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन, और नीचे यहाँ पे इसका रिवर्स लाइट के लिए जल जाते हैं। जैसे हम रिवर्स लाइट गियर डालेंगे तो यहाँ पे लाइट जलेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है इसका। साथ में यहाँ पे हमें SX की बैजिंग मिल जाती है, ऑप्शनल है। और यहाँ सेंटर में हुंडई का लोगो और वेन्यू की बैजिंग, और हमें डिफॉगर और रियर वाइपर भी मिल जाता है इसमें। ऊपर यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देख सकते हो। और हमें इसमें 350 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है देख सकते हो, 350 लीटर की बूट स्पेस। और इसके स्पेयर व्हील की बात करूँ तो मैं इसमें हमें 15 इंच का मिल जाता है भाई, ये 195/65 R15। ये अलॉय व्हील तो नहीं होगा यार? नहीं, स्पेयर व्हील चलो इनका, एक ही भी चलो व्हील नहीं आता, सिर्फ चार अलॉय रियर सीट आ जाएगी अपनी 60/40 स्प्लिट रियर सीट साथ। हाँ, 60/40 आ जाएगी इसमें, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पार्सल ट्रे ऐसी कुछ, और ऊपर यहाँ पे हमें ये हैंडल मिल जाता है बूट पुल करने के लिए, और ऐसे कुछ लुक है भाई इसकी साइड से पीछे से देख सकते हो। और पिछले डोर की बात करूँ तो हमें इसमें सिर्फ ऑल ब्लैक डोर मिल जाता है, कोई बीच कलर वगैरह कुछ नहीं है। पीछे हमें यहाँ पे थोड़ी सी लेदर फिनिश ज़रूर मिल रही है, जो कि ये टॉप मॉडल में ही आती होगी, ये सिर्फ लेदर फिनिश यहाँ पे थोड़ी। हाँ जी, टॉप मॉडल। और यहाँ पे हमें स्पीकर मिल जाता है बूट में, 1 लीटर बोतल होल्डर स्पेस मिल जाता है, यहाँ पावर विंडो का स्विच, और सिल्वर कलर का हमें डोर ओपनर मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए, और ऐसे कुछ है भाई ये। और फ्रंट से स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है हमें इसमें। और यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाते हैं विद 2 कप होल्डर्स, और पिछले रियर हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है इसमें, और 60/40 की सीट स्प्लिट हो जाती है भाई इसकी देख सकते हो आप। इसकी हम अपने हिसाब से 60/40 की सीट एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई सामान वगैरह रखना है तो उससे हम एडजस्ट करके रख सकते हैं इसे। ऐसा कुछ हमें फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है इसमें, यहाँ पीछे की ये लाइट मिल जाती है ऊपर, और इसमें हमें यहाँ पे सनरूफ भी दिया गया है भाई SX ऑप्शनल में देख सकते हो। और पीछे यहाँ पे रियर AC मिल जाता है, जो कि दोनों साइड के हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके। यहाँ पे थोड़ी सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है देख सकते हो चार्जिंग के लिए। और आर्म रेस्ट इसका एडजस्टेबल है फ्रंट, और पीछे से ऐसी कुछ लुक आती है भाई इसकी डैशबोर्ड की देख सकते हो। चल फ्रंट में चलते हैं और बात करते हैं इसकी फ्रंट डोर की। सबसे पहले हमें इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है देख सकते हो, और क्रोम डोर हैंडल, और ऐसा कुछ इसका फ्रंट डोर है जिसमें कि हमें ORVM एडजस्टर मिल जाता है, ऑटो फोल्डेबल मिरर मिल जाते हैं इसमें हमें देख सकते हो आप। इसे हम लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने मिरर को, और ये लॉक अनलॉक चारों पावर विंडो के स्विच, और ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए मिल जाता है यहाँ। और थोड़ी सी यहाँ पे भी हमें लेदर फिनिश मिल रही है, 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस, और स्पीकर। इसमें ट्विटर है भाई, ट्विटर है ना इसमें? हाँ जी, ये ट्विटर दो ट्विटर हैं फ्रंट में,
और सिल्वर फिनिश का इसमें हमें डोर ओपनर और ये लॉक अनलॉक करने के लिए। और इधर बात करूँ सबसे पहले ड्राइवर सीट की, तो इसमें हमें हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है मैनुअली और बैक एडजस्टेबल। और इधर ऐसा कुछ इसका स्टेयरिंग है भाई, देख सकते हो यहाँ पे हमें इसकी, हम अपने हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने MID की। और ये हेडलाइट एडजस्टर, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का है, ट्रैक्शन। और यहाँ पे हमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। और ये पावर स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और की कहाँ पे है भाई इसकी, ऐसी कुछ हमें की मिल जाती है इसकी, जिसमें कि लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखें तो बूट ओपन हो जाएगी, इससे हॉर्न बज जाता है हमें अगर इसको होल्ड करके रखें तो। ऐसी कुछ इसमें हमें MID मिल जाती है इसकी, देख सकते हो आप, ये डीजल इंजन है इसकी, इसलिए हमें 6000 तक RP मार्किंग मिल जाती है RPM की। और इधर 220 टॉप स्पीड। और सेंटर में इसकी छोटी MID मिल जाती है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन शो होती है, जैसे हमारी डोर ओपन है, जो डोर ओपन होएगा उस हिसाब से हमें गाड़ी बनी आएगी यहाँ पे डोर ओपन के लिए। एवरेज शो हो रही है यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, और टेम्परेचर शो हो रहा है इसमें हमें एवरेज, यहाँ पे डिजिटल स्पीड शो हो रही है, और ड्राइव इन्फो, एक्यूमुलेटेड इन्फो, और फ्यूल इकोनॉमी, यही कुछ है। और देख सकते हो आप स्टेयरिंग की बात करूँ तो इसमें हमें डी कट स्टेयरिंग मिल जाता है, जो कि क्रेटा में आता है वही सेम है बिल्कुल। और यहाँ पे हमें थोड़ी सिल्वर फिनिश मिल रही है। इधर म्यूज़िक के कंट्रोल्स, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, अपना ट्रैक चेंज करने के लिए मोड्स हो गए, ये कॉल कट और उठाने के लिए, ये वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है इसमें। और सेंटर में हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न मिल जाता है भाई आपको सेंटर में, या हुंडई का लोगो। यहाँ पे हमें इसके क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ये इसके MID से रिलेटेड है इसका ये स्विच, इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ से क्रूज कंट्रोल को। और इधर इसकी बात करूँ मैं AC की, तो यहाँ पे AC का वो मिल जाता है ऑप्शन, वेंट मिल जाता है, जो कि सिल्वर फिनिश मिल जाती है यहाँ पे हमें। और ऐसे कुछ अभी डैशबोर्ड की फिनिश देख सकते हो आप, अच्छी है। और यहाँ पे सेंटर में हमें IRBM मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक है फुली, पर ये इसका यार ये चीज़ मैनुअल दी है इसमें डे नाइट के लिए ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक नहीं है। सेंटर में हमें टच स्क्रीन मिल जाती है, कितने इंच की है टच स्क्रीन यार, 7.5 इंच की हमें इसमें टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि फुली टच है भाई, देख सकते हो आप, और बिल्कुल स्मूथ है इसकी टच। यहाँ पे AC वेंट के पास हमें सिल्वर फिनिश मिल जाती है इसमें, देख सकते हो। और यहाँ पे इधर इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं टच के, जिसमें कि हमें इससे हम अपने वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, FM वगैरह चेंज कर सकते हैं ट्रैक, और यहाँ से हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, रेडियो, मीडिया, सेटअप, नेविगेशन का भी ऑप्शन है इसमें, बट अभी इसमें SD कार्ड नहीं है तो अवेलेबल नहीं हो रही है। मैप का ऑप्शन भी है, और यहाँ हैजार्ड लाइट्स ऑन करने के लिए। और यहाँ थोड़ी सी हमें पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ऑटोमेटिक AC मिल रहा है हमें इसमें, जो कि फ्रंट और रियर इससे हम डीप होकर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में हमें इसकी MID मिल जाती है, जो कि फुली LED है। और इधर उसके AC के कंट्रोल से हीट वगैरह करने के लिए इधर ये। और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, और USB का पोर्ट मिल रहा है हमें इधर, और एक इधर मिल रहा है। और यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है, अगर आपका फ़ोन वायरलेस सपोर्ट करता है तो यहाँ रखने से चार्ज शुरू होना हो जाएगा ऑटोमेटिक। और 6-speed मैनुअल गेयर बॉक्स मिल जाता है हमें इसमें, यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल रही है। फिर यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर मिल रहे हैं, एयर प्योरीफायर है, हाँ जी, मतलब अगर इससे एयर वगैरह प्योरीफाई होती है प्रॉपर, नहीं मतलब एयर प्योरीफायर जैसे डस्ट वगैरह है तो मतलब गाड़ी के अंदर ज्यादा नहीं रहती, मतलब प्योर रखता है अंदर, ठीक। और इसका यहाँ पे आर्मरेस्ट है, जो कि एडजस्टेबल है फुली, और ऐसी कुछ इसमें स्पेस मिल रही है भाई हमको। ये हैंड ब्रेक है इसकी, जिसके ऊपर थोड़ा सिल्वर फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे इसमें कोल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है हमें, देख सकते हो ठीक ठाक स्पेस भी दी गई है इसमें, और यहाँ थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी अवेलेबल। और एयर बैग कितने भाई इसमें, 6 एयर बैग है, 6 फ्रंट टू और साइड कर्टन आ जाएंगे, 4 चारों कर्टन्स पे, चार फ्रंट कर्टन्स आ जाएंगे, 2 फ्रंट आ जाएंगे, अच्छा 2 फ्रंट में। और यहाँ पे इसका AC वेंट मिल जाता है, और इधर एक ट्वीटर मिल रहा है को पैसेंजर डोर पे, और सिल्वर फिनिश, और इसका डोर ओपनर, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे थोड़ी सी हमें लेदर फिनिश मिल रही है, और नीचे यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर का स्पेस दिया गया है। और मैं इसकी यहाँ पे ऊपर की बात करूँ तो ये हेडलाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से हम सनरूफ को
कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हो आप ये सनरूफ के कंट्रोल्स और ये लाइट के कंट्रोल। आप इसको डोर पे भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें कोई मिरर नहीं दिएगा टिकट होल्डर, और इधर वैनिटी मिरर मिल जाता है हमें को पैसेंजर साइड, बट लाइट नहीं दी गई भाई इसमें। और ये माइक है यार, इसमें माइक है, ये माइक दिया गया हमें कॉल वगैरह करने के लिए। और इसके मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो आपको इसमें 1500cc डीजल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है इसमें 98 bhp और 260 Nm टॉर्क मिल जाता है जिसमें कि हमें देख सकते हो CRDI 16B। और यहाँ पे हमें वाइपर वॉशर के पानी डालने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे हमें कवर नहीं किया गया। यार पावर तो अच्छी है इसमें ना, 1500cc डीजल इंजन में 1.5 लीटर का। हाँ जी ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।